हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अर्चना का किचन में आपका स्वागत है। आज हम जीरा आलू बनाएंगे, एकदम सिंपल और इजी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते जीरा हैं। आलू बनाने के लिए सबसे पहले आलू को बॉईल करके और इसको ठंडा करने के लिए 1 घंटा छोड़ दिए थे। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 घंटा के लिए। तो मेरा आलू एकदम ठंडा है, देखिए। तो इसको हम काट लेते हैं। या आप ऐसे भी काट के इसको बाहर छोड़ सकते हैं। तो देखिए, इसको बड़ा बड़ा पीस में ही रखना है। तो आलू को काट लेते हैं। इसी तरह से सारा आलू हम काट लेंगे। तो आलू देखिए कट गया मेरा। आलू को काट लिए, तब इसको साइड में रख लेते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, तो अब इसमें तेल डालेंगे। जीरा आलू जब भी बनाएं तो सरसों तेल में ही बनाएं, और इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालेंगे। तेल मेरा गर्म हो गया है, तो इसमें जीरा डालेंगे और थोड़ा जीरा ज़्यादा करके डालेंगे, और हींग है, हींग को भी डालेंगे। धनिया थोड़ा सा डालेंगे और इसको भुनने देते हैं। सिंपल है, लेकिन आप सुबह लंच में बनाएं बच्चों के लिए या लंच में अपने हस्बैंड को देने के लिए, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। आप इसको रोटी या पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छे से भुन गया है, तो इसमें अब डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और अदरक। इसको मिला लेते हैं। चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। अच्छे से इसको रोस्ट कर लिए, तो अब इसमें आलू डालेंगे। इसको चला लेते हैं और इसमें नमक डालेंगे। इस टाइम में ही नमक डालें, तेल में नमक ना डालें। हल्की सी कोटिंग आने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का कलर चेंज करना है इसका। नमक डालेंगे और चला लेते हैं। उसको ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो आलू बॉईल रहता है तो टूटने का डर रहेगा। और इसको थोड़ा भुनने देते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी डाल के मिला लेंगे इसको। एकदम सिंपल रेसिपी है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका। थोड़ा सा कुछ मसाला इसमें ऐड करेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे और इसको भी चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसमें हम कश्मीरी मिर्च का पाउडर का यूज नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डाल दिए। थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पाउडर, बहुत ही अच्छा लगेगा जीरे आलू में, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जीरे आलू में, तो आप ज़रूर डालें। और इसको चला लेते हैं। इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आप एक बार ज़रूर डालें। और इसको चला लेते हैं। ये सूखी सब्जियां हैं जीरा आलू, आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जीरा आलू में। और आप जब भी जीरा आलू बनाएं तो थोड़ा सा धनिया ज़रूर डालें तेल में, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको भून लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। देखिए कितना अच्छा मेरा बन के तैयार हुआ है आलू जीरा। एक ऐसी डिश है कि जब घर में कोई भी सब्जी ना हो, तो कोई मेहमान आ जाए तो इसको फटाफट बना के इसको पूरी चपाती या रोटी चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे। मसालेदार जीरा आलू बनके मेरा तैयार है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो देखिए सर्व कर लिए, जीरा आलू बनके मेरा तैयार है। जीरा आलू की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक